हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 3rd of September को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक बाइंग दिख रहा होगा हर डे, इस दिन भी बाइंग आई, इस ग्रीन कैंडल पे आई, लास्ट फ्राइडे को भी अच्छी बाइंग आई थी और आज के दिन भी कहीं ना कहीं बाइंग आई है, लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाता है लास्ट में सेलर्स इसको नीचे की ओर लेके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ये क्लोजिंग दे देता है। तो पिछले 4-5 दिन से यही हम लोगों को एक प्राइस एक्शन पैटर्न नज़र आ रहा है। अब ये प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन से सेम नज़र आ रहा है। तो अब नेक्स्ट जब प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कल का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और अगेन जाके ये 12,000 इतना है 12,575 के लेवल को हिट करके ब्रेक करता है, तो इस चीज़ का आप रिपीटेशन नहीं देखेंगे कि यहाँ पे फिर से सेलर आते हैं और इसको फिर से नीचे की ओर लेके जाते हैं। क्योंकि अगर एक बार और ये हो गया और अगेन ये हो रहा है तो इसकी फिर से होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है ऐसे ऐसे केसेस में, ठीक है। तो इसीलिए इस बार ब्रेकआउट देगा तो होपफुली हम लोगों को लगभग लगभग 12,650 का लेवल, 660 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद लगभग लगभग 12,700 वाला लेवल हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 2-3 बार यहाँ पे हर 3-4 कैंडल पे यहाँ पे हम लोग को बायर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल मार्केट ओपन होने के बाद ये नीचे की ओर आने लगे एंड 12,325 के लेवल को ब्रेक करे, कितना 12,325 के लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है ये जो 4 दिन बायर्स आए हैं यहाँ पर इसको सपोर्ट ना करें और ये अपना नीचे, ठीक है, 12,325 अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे 12,225 वाला लेवल एक बार रिटेस्ट कर सकता है एंड उसके रिटेस्ट करने के बाद फिर से हो सकता है इसी चॉपी मोड में चला जाए जिस तरीके से अभी ये ट्रेड हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हम सभी को याद है एक यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन हो जाएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक हमें क्लोजिंग नहीं मिला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम लोग कुछ अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे इस तरीके से ये बनेगा, एक चैनल पैटर्न बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ओके, और हमारे पास नीचे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग को बनेगा। अभी ये फ़िलहाल जो सिचुएशन है यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट से ये क्या कर रहा है, टच करके नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे के बारे में सोचते हैं। अगर ये नीचे की ओर 12,340 के लेवल को ब्रेक करता है, अभी हमने बात किया था 12,325 वाला लेवल, ठीक है, तो ये इसी लेवल के आसपास है, 13,325। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको पहले 12,300 के आसपास आता हुआ देख सकते हैं, उसके बाद जैसा हमने बात किया 12,240-50 इन लेवल्स को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि तब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर हो जाएगी और हो सकता है इसको रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की ये स्टार्टिंग करने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग ऊपर वाले टारगेट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।